सकता है जोमेट्रिक की। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड की ड्राइंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट अपना यहाँ से करेंगे साइड व्यू से। पहले हम इसका रैंडम एक साइड व्यू बनाएंगे, उसके बाद हम डायमेंशन लेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ड्राइंग को आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट प्लेन ले लेते हैं, उसके बाद में बेसिक सा मैंने यहाँ से स्केच बनाना शुरू करता हूँ। तो मैंने एक साइड भी बना दिया है, लेकिन अभी डायमेंशन इसकी दी नहीं है। चलिए हम इसकी डायमेंशन देते हैं 42। इसकी ये वाली लेंथ है 16 16, ठीक है, और ये वाली यहाँ पे 20। तो चलिए हम डायमेंशन देते हैं इसकी 42 16 16 16 और 20, ठीक है। और ये वाली हमारी 60, टोटल लेंथ हमें पता है हमारी कितनी है 50। तो ठीक है, टोटल लेंथ हमारी 50 थी। तो हमने जब अपने सारे डायमेंशन ले दी तो यहाँ पर हमारा स्केच फुली डिफाइंड हो चुका है, ठीक है। हमें हर हाल में अपना स्केच को फुली डिफाइंड करना है। अब हम फीचर्स पे जाते हैं, हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो हमें कितना एक्सक्लूड करना है हमें ये नहीं पता है, हम ऊपर ड्राइंग में देखते हैं कितना करना है। टोटल हमें 62 एक्सक्लूड करना है, ठीक है। ओके, मैंने 62 एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर मेरा एक ये तैयार हो चुका है, एक बेस बेस हमारा। और इस पर हमें कुछ काटा पीटी करनी है, जिससे हमें अपने ड्राइंग को परफेक्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला फेस बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको पीछे पीछे की तरफ ऐसा स्केच बनाऊंगा, ठीक है। आप देखिए, तो हमें इस शेप में इसको काटना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने स्केच पर गए, ये वाला फेस पकड़ा, स्केच पर मैंने क्लिक करा, नॉर्मल प्लेन करा, ठीक है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस एक लाइन ऐसे ली। इस ड्राइंग को बनाने के बहुत तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बहुत आसान तरीके से बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर दो लाइन ली, बस मैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग चल रहा हूँ, ठीक है। दो मैंने लाइन ले ली, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 16 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 16 है। अगर आप 62 में से 13 और 16 माइनस कर देंगे तो आपकी वाली लेंथ फाइंड हो जाएगी, तो ये 16 ही आएगी, ठीक है। तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, और ये हमें पता है 30 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी कितनी है 15, ठीक है। तो हमें सारी डायमेंशन पता है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस डायमेंशन देनी है इसकी। इस शेप को भी हमें फुली डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये कितना था 16, ये कितना था, ये भी 16, ठीक है। ये था मेरा 30, ऑलरेडी 30 आ गया, लेकिन मुझे 30 का हाफ कितना होता है 15, 15 मिलेगी। अब उसके बाद मुझे नीचे किसकी हाइट कितनी है, ये भी मुझे पता है, मेरी 50 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्केल दोबारा से फुली डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब हमें एक्सट्रूड कट करना है, लेकिन कितना करना है हमें पता है, कितना करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 20, तो हमें 20 है एक्सट्रूड कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेक्टेड कॉन्टोर, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, और यहाँ पर इस फेस को मैंने पकड़ लिया, मैंने डाल दिया 20, ठीक है। तो इतना मेरा भी तैयार हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है। आप ध्यान से इस पॉइंट को समझे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी 22 है, और ये भी हमारी 22 है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 22 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 22 ही होगी, मतलब 22 और 22 44,
अगर 44 में आप 18 प्लस कर देते हैं तो आपकी 62 ही आएगी लेंथ, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाली भी वही लाइन है, ये वाली भी लाइन है, लेकिन बीच की डिस्टेंस क्या है, 44। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक नए तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेफरेंस प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लेन पर मैंने क्लिक करा, प्लेन पर जब मैंने किया, यहाँ पर तीन रेफरेंस आ गए, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस। तो मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर क्लिक करा, बस फेस वन पे, फेस टू पे। तो यहाँ पर एक बीच के मिड में एक प्लेन यहाँ पर तैयार हो गया, ऐसे करके हम प्लेन लेते हैं, ठीक है। तो एक प्लेन यहाँ पर तैयार हो चुका है, अब इस प्लेन पर मुझे स्केच करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने प्लेन पर क्लिक करा, एक स्केच मैंने कल यहाँ पर बनाता हूँ। तो स्केच में कल क्या सा बनाना है, मुझे इसका स्केच बनाना है, क्योंकि मुझे ये ड्रॉ करना है ना यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर फिल है, यहाँ पर भरा हुआ है, तो मुझे इस शेप को एक्सट्रूड कट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इतना 44 40, अगर मैं 44 हिस्सा जो है वो गायब कर देता हूँ तो मेरा ऑलरेडी अपने आप क्या आ जाएगा, ये दोनों चीज़ें मेरी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी, ठीक है। चलो आप पहले देखिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे गया, मुझे लाइन है मेरी, और देखो ये लाइन टच हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको एक बार हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर भी मेरी फुली डिफाइन हो गई। तो मेरा ये स्केच इतना तैयार हो चुका है, ठीक है। ये मैंने प्लेन बन के लिया था ना, तो मेरा ऐसे आ रहा। अगर मैं यहाँ से, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्या एक्सक्रूड करके, ठीक है, अगर एक्सक्रूड करके ये यहाँ पर बोल रहा है, अगर मैं यहाँ से 22 माइनस कर दूँ और यहाँ से 22 माइनस कर दूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा वो चीज़ मेरे को मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डाला 22, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन 2 आ रहा है, यहाँ पर भी मैंने डाला 22। तो मुझे देखिए अपने इतना हिस्सा तैयार मिला, 22 इधर से मैंने एक्सक्रूड कट कर रहा हूँ और इधर से मैं राइट करा। तो देखिए मेरी अपना अब ऑटोमेटिक मेरे को ये चीज़ मिल गई, समझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आगे हमारा एक छोटा सा पार्ट और रह गया। मैंने स्केच को पकड़ा, स्केच पे क्लिक करा और यहाँ पर मैं स्केच बनाता हूँ, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देंगे। सीधे करने की जो की होती है ऑल्ट हमें प्रेस करके रखना है, और जो हमारी राइट हैंड लेफ्ट की कीज होती है हमें घुमाना है, ठीक है। तो ये अपने आप घूम जाएगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें एक स्केच लेना है। स्केच हमें कैसे लेना है, ट्राइंगल लेना है यहाँ पर भी, जिसकी डायमेंशन देखिए यहाँ से 22 और यहाँ से 9 और टोटल इसकी 18 है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। मैंने रैंडम ले लिया, कुछ नहीं करना, और डायमेंशन ले लूँगा अकॉर्डिंग टू वन, यहाँ से यहाँ तक की मुझे पता है मेरी क्या 22, ठीक है। और वो यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे पता है कितनी है मेरी, यहाँ से मुझे पता है मेरी 9 है, और टोटल कितनी है मेरी, टोटल मुझे पता है मेरी है 18, ठीक है। और बीच की 18 का हाफ कितना हो गया, 9, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं डायमेंशन चल रहा हूँ, बिल्कुल देखिए मेरा ये भी फुली डिफाइन हो चुका है। अगर फीचर्स पे गया, दोबारा मैंने एक्सक्रूड कट पर क्लिक करा, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्शन टू जो मेरी ऑन है मैंने उसे ऑफ कर दिया और यहाँ पर कर दिया ओके, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कोई कलर दे देता हूँ, यहाँ पर ये भी वाली ड्राइंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको ये ड्राइंग समझ आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। और जिस किसी को भी हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो हम इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।